पिछले दो सप्ताह से क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं किसानों की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। क्षेत्र के कई गांवों में सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है और किसान सरकार की तरफ नम आंखों से देख रहा है। किसानों का कहना है कि उनके इस नुकसान की भरपाई सरकार करे। इसी बात को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी ने आज बेटमा क्षेत्र के ग्राम मेठवाड़ा, झलारा, मोथला, पिपलिया गांव में अतिवृष्टि से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल का जायजा लिया और किसान भाइयों से चर्चा कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा हर स्तर पर उनकी लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। सांसद के साथ क्षेत्र के कई स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। विदित हो रहा है कि विगत दिवस सांसद लालवानी जी ने इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर पूरे मालवा क्षेत्र में किसानों को तत्काल राहत देने की पुरजोर मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा मिलता है या नहीं। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देपालपुर क्षेत्र में बैठवाड़ा और झालारा के किसानों के साथ देपालपुर क्षेत्र के जो अतिवर्षा के कारण सोयाबीन की फसल खराब हुई है, किसानों के बीच में आने का मौका मिला और वाकई में जो फसल देखी वो फसल में यानी एक प्रकार से लगभग सभी 90% फसल खराब होकर नष्ट हो गई। और ये किसानों की मांग थी, आज आके देखा भी। हम सरकार से मांग करेंगे, मैंने दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी से बात की है कि इसमें उनको मुआवजा दिया जाए और जो बीमा इन्होंने कराया बीमे की भी राशि दी जाए। तो हम शीघ्र जाएंगे, दल आके मुआयना करें और निर्णय लें। अगर नहीं करेंगे तो हम फिर जनता के साथ, किसानों के साथ सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।